एंड सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार का कोई एक पैकेट रिसीव होगा आपको। ये मेरे को अमेजोन के थ्रू मैंने ऑर्डर किया है, तो मेरे को अमेजोन के थ्रू ये पैकेट मिला है। इस पैकेट को मैंने कट कर दिया था क्योंकि मैंने चेक करने के लिए कि कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि पेन ड्राइव है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही इस पैकेट को आप ओपन करोगे ऊपर की साइड आपका बिलिंग दिखेगा। बिलिंग करने के बाद मैंने इसे ऑलरेडी कट कर दिया हुआ है, ठीक है। कुछ इस प्रकार की पैकिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर, इस लिफाफे के अंदर कुछ नहीं है, तो इसे मैं साइड में कर देता हूँ। एंड ये सैंडिस कंपनी की तरफ से है दोस्तों। इसका प्राइस भी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ये डुअल ड्राइव यूएसबी टाइप सी है, यानी कि इसे मैं अपने लैपटॉप के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, प्लस मैं अपने अपने स्मार्टफोन में भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो सी टाइप होना चाहिए, टाइप सी होना चाहिए, ओके। एंड जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लैपटॉप में भी कनेक्ट हो सकता है, यूएसबी 3.1 एंड यूएसबी टाइप सी, इन दोनों में मैं यूज कर सकता, दोनों का ही इसका यूज है। एंड इसे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर और अपना जो आईपैड वगैरह होता है उसके अंदर भी यूज हो सकता है। कंपनी का दावा है इसका जो डाटा ट्रांसफ़र करने का जो स्पीड है वो 1 सेकंड में 150 MB का है, वो भी हम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसी ओनली फोर आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ आपके बॉक्स में या पैकेट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो नॉर्मली की इनवॉइस होता है वो ऊपर की साइड आपका जो चिपका के रखते हैं वो होता है। एंड यह पेन ड्राइव मेरे को 5 ईयर वारंटी के साथ मिली है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। एंड ये 5 ईयर आपको वारंटी के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पेन ड्राइव तो काफ़ी ठीक है और यूज भी काफ़ी ठीक है। मैं इसे एक बार निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको उसका बता देता हूँ आपको ये किस तरह से है। कुछ इस तरह की पैकिंग है। एंड जैसे ही मैं इसे बाहर निकालूंगा, एक मिनट रुकिए दोस्तों, जैसे आप इसे बाहर निकाल दो कुछ इस प्रकार की, कुछ इस तरह की लुकिंग है, जो कि एक तरह से ये लगा लो कि मिनी अटैची की टाइप का ये एक देखने के लिए मिल जाएगा आपको। एंड जैसे ही जो पुश बटन है यहाँ पे आपको एक बटन शो करेगा जिसको आपको प्रेस करना है। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इसको स्लाइड करोगे लेफ्ट लेफ्ट हैंड पे, तो कुछ सी टाइप का ये इस तरह का आपको शो करेगा। एंड जैसे ही आप राइट हैंड पे लेके जाओगे, हाँ जैसे आप इसी इस तरह से करोगे तो नहीं जाएगा, इसको आपको हल्का सा पुश करना पड़ता है। देन ये यूएसबी है, यहाँ पे देखो मेंशन भी है 64 GB की ये मेरी पेन ड्राइव है जो कि सैंडिस्क कंपनी की तरफ से आती है। एंड ये इसमें एक नॉर्मली अगर अपना की का जो भी चैन वगैरह आप यहाँ होल्ड करके इसे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके अलावा ये नॉर्मली टाइप, जैसे आप इसे प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद ये इस साइड की साइड निकल जाएगा। जैसे अपने फ़ोन के अंदर आप कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड ये किसी प्रकार का आप कितने भी मैं इसे दबा लूँ तो ये नहीं दबेगा, क्योंकि जब तक के लिए मैं इसे क्लिक नहीं करूँगा उससे पहले ये स्लाइड नहीं होगा। अब जैसे ही मैंने इसे क्लिक करके स्लाइड किया तो नॉर्मली ईजी तौर पर ये स्लाइड हो जाएगा। तो एंड अब इसकी चेक कर लेते हैं स्पीड इसकी कितनी है। तो ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप में मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसकी स्पीड कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने लैपटॉप पे अपने कनेक्ट कर लिया है। मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इस नाम से मेरी ये फाइल यहाँ पे शो कर रही है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, यूएसबी ड्राइव ई के नाम पे। अब मैं कोई सी भी फाइल इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद आपको इसकी स्पीड चेक कराता हूँ, इसकी एग्जिट स्पीड आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे मेरे लैपटॉप में एक फोल्डर है जो कि अराउंड फोर 6 GB का है। मैं इसका प्रॉपर्टी आपको चेक करा देता हूँ। यह अराउंड फोर 6 GB का है, 6.85। एंड मैं इसे नॉर्मली कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे करूँगा अपने पेन ड्राइव के अंदर। एंड एक मिनट दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे अपना पेन ड्राइव ओपन किया। ओपन करने के बाद नॉर्मली मैंने यहाँ पे सेंड किया है। एंड अब यहाँ पे हम इसकी स्पीड चेक करेंगे दोस्तों, ये स्पीड एग्जैक्ट आपको कितनी दिखा रहा है। एंड ये देखिए दोस्तों, ये स्पीड इसकी जा रही है इस टाइम अबाउट अराउंड फॉर 2 मिनट के अंदर 6 GB का जो मेरा डाटा है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी तो इसका काफ़ी फास्ट हो रहा है। एंड सेम इसी तरह से दोस्तों ये आपके फ़ोन के अंदर भी कनेक्ट हो जाएगा, जो अभी फ़िलहाल मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने बस खाली ऐसे स्पीड चेक करने के लिए देखा था। तो मैं इसे अभी इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि कंपनी ने दावा किया है कि इस पेन ड्राइव की स्पीड जो है वो 150 MB/s के हिसाब से ये डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये एग्जैक्ट सही चल रहा है। बट जो स्पीड से जो डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है दोस्तों, वो आपके सिस्टम पे भी निर्भर करता है कि आपके जो लैपटॉप की कैपेसिटी क्या है या आपकी पीसी की कैपेसिटी क्या है। सेम इसी तरह से अगर हम इसे अपने मोबाइल में यूज करते हैं तो मोबाइल का भी मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। तो एक बार मैं इसे अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको इसका शो करता हूँ कि आपको किस तरह से देखने के लिए मिलेगा।
तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ये मेरा डाटा अपने मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, बट इसकी जो स्पीड है यहाँ पे थोड़ी स्लो हो चुकी है। एंड ये देखिए दोस्तों, जैसा कि 150 MB/s की स्पीड के साथ जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था, बट अभी ये नहीं हो रहा है। तो ये मैंने जैसे कि बताया कि डिवाइस पे निर्भर रहता है थोड़ा बहुत, कि आपके डिवाइस की कैपेसिटी क्या है, देन उसी के बाद ही आपकी जो एग्जिट स्पीड आपको चेक होगी। लेकिन नॉर्मली अगर आप अपना पीसी या लैपटॉप में से यूज करते हो तो एकदम एक्सपर्ट चलेगा, यहाँ तक कि मोबाइल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली सी बात है, इतनी स्पीड तो वो चलेगी, चाहे आप इससे सस्ती लीजिए या महंगी लीजिए। ये 64 GB का वेरिएंट है एंड इसमें 16 GB भी आता है, 128 भी आता है, आई थिंक 264 भी आता होगा। तो इसका जो बाय लिंक है मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। नॉर्मली पर्सनल यूज के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जो लोग अपना लैपटॉप से रिलेटिव या जो भी डाटा से रिलेटिव अपना सेव रखना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प करती है, काफ़ी यूजफुल है। तो ये एज अ मैंने पर्सनल यूज के लिए ये ऑर्डर किया था, तो मुझे लगा कि इसका अनबॉक्सिंग करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।